सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। गर्भपात के बाद पीरियड कब आते हैं, यही इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैंप चैनल, और बिना किसी डिले के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप पहली बार ही हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस जो गर्भपात के बाद आपके महावारी कब आती है, पीरियड्स कब आते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने आपका जो गर्भपात है वो किस माध्यम से करवाया है, किस तरीके से करवाया है। सामान्यतः गर्भपात दो तरीकों से करवाया जाता है। पहला है सर्जिकली, जिसे DNC जाता है, और दूसरा है दवाइयों के माध्यम से, जिसे मेडिकल अबॉर्शन बोला जाता है। सर्जिकली जब आप अपना गर्भपात करवाते हो, मतलब कि DNC करवाते हो, तो इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, औजारों के माध्यम से आपका गर्भपात किया जाता है। कुछ मेडिसिन को भी यूज किया जाता है, और जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो औजार होते हैं मेडिकली, उससे आपके बच्चेदानी की सफाई की जाती है। और इस प्रोसेस को करने के बाद जो आपके पीरियड्स हैं वो सामान्यतः आपके पीरियड साइकिल के अराउंड ही आते हैं। अगर मैं आपको एवरेज बताऊं तो सामान्यतः जो पीरियड्स हैं वो 4 से 6 वीक्स के अराउंड आ जाते हैं। अगर बात करें कि पीरियड महावारी के फ्लो रेट की, तो सामान्यतः DNC करवाने के बाद जो पीरियड का फ्लो है वो काफ़ी कम रहता है, क्योंकि जो आपके यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोमेट्रियम, वो खुरची जाती है DNC के दौरान। तो जो खुरचने का प्रोसीजर था उसके कारण जो लेयर बनती है, ठीक है, उसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसके चलते आपको कम फ्लो देखने को मिल सकता है सामान्यतः DNC करवाने के बाद। अगला जो है मेडिकली दवाइयों के माध्यम से प्रेगनेंसी को ख़त्म करने का, मतलब कि गर्भपात करवाने का, तो उसमें आपको एक किट दी जाती है, और इस किट में आपको 5 टैबलेट मिलती हैं। पहली टैबलेट मिफेप्रिस्टोन की होती है, 200 मिलीग्राम की टैबलेट, और बाकी की जो 4 टैबलेट हैं ये मिजोप्रोस्टोल टैबलेट होती हैं, और ये 200 माइक्रोग्राम की एक टैबलेट होती है। मतलब कि जो 4 टैबलेट हैं वो 200 माइक्रोग्राम की होती हैं, 200-200 माइक्रोग्राम की होती हैं। ओके, तो जो पहली टैबलेट है मिफेप्रिस्टोन, ये प्रोजेस्टेरोन के एंटागनिस्ट है। जो प्रोजेस्टेरोन जो प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी हार्मोन होता है, जो प्रेगनेंसी को बनाए रखता है, ये टैबलेट प्रोजेस्टेरोन को बंद कर देती है, ब्लॉक कर देती है, इनहिबिट कर देती है, जिससे आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है और वहीं पर टर्मिनेट हो जाती है। अगली जो किट की 4 टैबलेट होती हैं मिजोप्रोस्टोल, ये आपके बच्चेदानी में, आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है, मतलब कि सकुड़न पैदा करती है, सुकड़ना आप मान सकते हो, सुकड़ती है आपकी बच्चेदानी, जिससे जो प्रेगनेंसी का अंदर का मटेरियल है बच्चेदानी के अंदर वो एक्सपेल आउट हो जाता है, बाहर की तरफ एकदम से निकलता है, जिससे आपकी जो प्रेगनेंसी है उसका गर्भपात हो जाता है। ओके, तो जब आप इस किट को लोगे, तो इस किट को लेने के बाद आपके पीरियड्स कब आते हैं, तो ये भी इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका पीरियड साइकिल कितना था। अगर मैं आपको एवरेज बताऊं तो गाइस सामान्यतः जो पीरियड हैं वो 45 डेज के अराउंड आते हैं मेडिकल अबॉर्शन को करवाने के बाद में, ठीक है। और अगर इसके ब्लड फ्लो की बात करें, जो पीरियड्स में ब्लड फ्लो होता है वो सामान्य से अधिक हो सकता है। ओके, अगर आप मेडिकली करवाते हो तो आपके पीरियड 45 डेज़ के अराउंड आएंगे, हो सकता है कि लेट आएँ या फिर हो सकता है कि पहले भी आएँ, लेकिन 45 डेज़ जो है वो एवरेज डेट है, और इसमें जो आपके पीरियड्स हैं वो थोड़े हैवी आएंगे। और सर्जिकली अगर आप अपना गर्भपात करवाते हो तो उसमें जो आपके पीरियड्स हैं वो थोड़ा कम फ्लो के साथ आएंगे, और जो पीरियड्स हैं वो 4 से 6 वीक्स के अराउंड आ सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।